गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 चिट्ठियों का संसार। इस पार्ट को कल हमने रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग किए, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, पत्र जैसा संतोष पत्र जैसा संतोष पत्र जैसा संतोष या लिखेंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र जैसा संतोष फोन या इन्हें
बनाया जा सकता है ये कई किताबों का आधार है। कौन पत्र ठीक है। अगला लिखिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दीर्घ शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। खत, खत किस भाषा में हम कहते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे उर्दू। ठीक है। कागज कहते हैं कन्नड़। उपकरण कहते हैं तेलुगु। चाकू ये भी तेलुगु का ही तेलुगु। ठीक। इसके बाद जो लेक होता है वो भी तेलुगु में कहा जाता है तेलुगु। कड़ी, कड़ी किस भाषा में कहते हैं? कड़ी कहते हैं तमिल में, तमिल। पाकी हिंदी में। चिट्ठी भी हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है। तो पत्र को इन इन भाषाओं में ये कहा जाता है। और पत्र कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। पत्र लेखन की कला के लिए, कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए या हुए? इसका आंसर लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा किया गया।
गया गया। आपके सिलेबस में भी कभी लिखा है विश्व विश्व डाक संघ, विश्व डाक संघ की ओर से सन सन 1972 से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपका नहीं, पर आज कराएंगे हम आपको, अगला आपके अगली क्लास में कराया जाएगा। धन्यवाद।